के बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार पूरी तरह से हो गई है सतर्क। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, घबराने की नहीं बल्कि सतर्क और सावधान रहने की है जरूरत, करें कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन। उत्तर रेलवे ने किया ऐलान, कोहरे के कारण बसों का रात में संचालन बंद होने से यात्रियों को यात्रा करने में नहीं होगी किसी तरह की दिक्कत। रेलवे के द्वारा यात्रियों की मांग को देखते हुए चलाई जाएगी अलग से ट्रेनें। कोहरे में सिग्नल को ट्रेस करने के लिए सभी ट्रेनों में लगाया जाता है फॉक्सिप डिवाइस। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। दिसंबर को चाकू से मारकर युवक की हत्या करने के आरोप में बेलीपार थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों राम शाही निषाद और सुग्रीव निषाद को किया गिरफ्तार। एक ग्वाल आबचारी को भी लिया अभिरक्षा में भेजा जेल। SP साउथ ने दी जानकारी। कोविड के नए वेरिएंट BF7 के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पूरी तरह से है तैयार। स्टेशन पर मास्क लगाने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की अपर आयुक्त ने की सुनवाई, कहा कुल आई थी 12,000 आपत्तियां, सभी लोग आवासीय कराने की कर रहे हैं मांग। इसी मंजिली स्काउट गाइड के 3 दिवसीय प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। नई शिक्षा नीति के तहत भी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभागिता हुई अनिवार्य। संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, बच्चों में चरित्र निर्माण के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है स्काउट गाइड संस्था। पुलिस के साथ CEO कैंट योगेंद्र सिंह ने न्यायालय के सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। न्यायालय ड्यूटी पर लगे सुरक्षा कर्मियों की चेक की ड्यूटी, दी आवश्यक दिशा निर्देश। और महात्मा गांधी PG कॉलेज में 2 दिनों तक चलने वाले वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारत के श्री रामाश्रय यादव ने किया शुभारंभ। कहा, खेल हमें प्रदान करता है सकारात्मक ऊर्जा, इसलिए शिक्षा के साथ खेल भी है जरूरी।